हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो बिस्किट से कपकेक, बहुत ही इजी तरीके से कपकेक। किसको पसंद नहीं होता, सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। और इसको हम अगर इतनी सिंपल तरीके से बनाएंगे तो वीकली एक बार ज़रूर इंजॉय करेंगे अपने घर में। तो यहाँ पर हमने ओरियो बिस्किट्स के 2 पैकेट्स लिए, क्रीम हटा दिया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और दूध की हेल्प से बनाने वाले हैं। 1 ग्लास दूध लिया है मैंने, जितना भी लगेगा हम इसको बैटर बनाने में यूज करेंगे। सारे बिस्किट्स को एक ग्राइंडर में डालकर एक फाइन पाउडर बनाना है, का पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं होना चाहिए। इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस पाउडर को। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए हमारे ओरियो बिस्किट्स। अब दूध की हेल्प से इसका एक बैटर बनाएंगे। बहुत ही रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम रनी नहीं होनी चाहिए और एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और दूध भी जो हम लेंगे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पर हमें दूध लेना है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालें, एकदम एक साथ नहीं डालना वरना रनी हो जाएगा। और अच्छे से इसको मिलाते जाएं, फैटते जाएं, बहुत अच्छा हमें रिबन कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से हम डालेंगे तो देखेंगे चम्मच से एकदम रिबन फॉर्म में आ रही है, मतलब हमारा रेडी है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इससे क्या है, हमारी केक बहुत अच्छे से फूल जाती है, बहुत अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। ये तैयार हो गया, इसे ढककर रख देते हैं और तब तक हम अपने ओवन की तैयारी करते हैं। अपनी कढ़ाई को प्रीहीट करने रख देते हैं। इसको मैं अभी ढककर रख देती हूँ। जब तक ये ढककर रखा है दोस्तों, अगर तब तक आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, रेड बटन पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। ये देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई को रखा है। भारी तली का कोई भी बर्तन लेंगे, कढ़ाई हो, भगोना हो, कुकर हो, और उसके ऊपर रख देंगे प्लेट और इसको ऊपर से ढक देंगे बड़ी प्लेट से और मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसको 10 मिनट प्रीहीट होने देंगे, ओवन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा ओवन बन रहा है तब तक हम अपने कप्स को ग्रीस कर लेंगे। आप इस टाइप के कप ले सकते हैं, कोई भी सेरेमिक कप, या फिर आप पेपर कप ले सकते हैं, या फिर कांच की कटोरी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें बना सकते हैं। मैं आपको इसी कप में बना के इसलिए दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कप बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं इस ओवन में अगर हम रखते हैं इनको। तो अच्छे से इनको घी से ग्रीस कर लिया है। अब इन घी के ग्रीस किए हुए कप्स में हम अपने डालेंगे बैटर जो हमने 10 मिनट पहले घोल कर रखा था। इनको आधा आधा ही भरेंगे, याद रखें पूरा नहीं भरना, क्योंकि केक को अभी फूल कर ऊपर भी आना है तो उसके लिए भी हमें स्पेस छोड़ना है। आधा आधा कप हम इस तरीके से भर देंगे। ये बहुत अच्छे से भर गए हैं, आधा आधा कप मैंने भर दिया है, किसी में थोड़ा एक में ज़्यादा है। ये ऊपर से हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स, बहुत अच्छे लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप चॉप्ड करके डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने काजू और बादाम यूज किए हैं, रेडी है इन्हें। इनको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे इस तरीके से ताकि नीचे कोई बबल्स हो वो सेट हो जाएँ बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी प्लेन निकले हमारी ऊपर से। अब हम देख लेते हैं, हमारा ओवन एकदम रेडी हो गया है, प्री हीट हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। उठाया इसको हम जल्दी से, सारे कप्स इसमें रख देंगे 1 बाय 1, चारों कप हम इसमें रख देते हैं। मैंने ये देखे चारों कप्स इसमें उठाकर रख दिए हैं बहुत अच्छे से। अब इनको ढककर हमें 30 मिनट्स तक बेक करना है, बिल्कुल भी खोलनी नहीं है कढ़ाई हमें। 30 मिनट्स तक ढककर ढक दिया मैंने। अब घड़ी से हम 30 मिनट्स तक इसको पकाएंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, एकदम स्लो नहीं रखें। अगर स्लो रखेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। 30 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए काफ़ी अच्छा बेक हो गया है। 30 to 35 मिनट्स में ये बहुत अच्छा बेक हो जाता है, काफ़ी फूल कर आ गया। वो कप थोड़ा भरा था तो एकदम ऊपर तक फूल के आ गया। अब किसी भी नुकीली चीज़ से, टूथपिक से या नाइफ से किसी से डाल के देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल साफ़ आ रहा है। दैट मीन्स हमारा केक बहुत अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल भी इस पर चिपक नहीं रही है चॉकलेट, मतलब बहुत अच्छे से बेक हो गया है। चलिए निकाल लेते हैं इन कप्स को कढ़ाई में से और ठंडा होने रख देते हैं। जब एकदम ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। गर्म जब हो तब बिल्कुल से डीमोल्ड ना करें, एकदम ठंडा हो जाए जब इसे डीमोल्ड करें, बहुत आसानी से ये निकल के आ जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अगर आप गर्म करेंगे तो आपका कपकेक टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है अभी। तो ये मैं इसको उल्टा करूँगी इसको और पीछे से टैप करूँगी, ये आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इसको इस तरीके से टैप कर देंगे तो कप से आराम से निकल कर बाहर आ जाता है। इसी तरीके से चारों कप केक मैं निकाल लेती हूँ, डीमोल्ड कर देती हूँ। आ रहा है ना, देख के आपके मुंह में पानी, एकदम स्पॉन्जी है और बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको इसको दबा के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दबाऊँगी क्योंकि एकदम दबा दे टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। कभी भी आप टी टाइम में कभी भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है ये घर में। अब आप इस तरीके से ईजीली बच्चों को घर में ही कप केक बना के खिला सकते हैं। तो आज ही बनाइए दोस्तों ये रेसिपी, जब तक मैं इन्हें डीमोल्ड कर रही हूँ तब तक वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो। और आप
नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।